Hey guys, once again welcome back to the Cisco Tech YouTube. और guys, ये है साइवो का WT3130 एल्यूमिनियम का ट्राईपोड. जी हाँ, काफ़ी हल्का है दिखने में. और बाय द वे गाइस, देखा जाए तो इसे भी मैंने हर बार की तरह अमेज़न इंडिया से ऑनलाइन ख़रीदा है या मंगवाया है. आपको ज़रूरत हो तो आप भी बड़ी आसानी से मंगवा सकते हैं. इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है, तो आप चेक कर सकते हो. और आपको अगर पसंद आता है आपके हिसाब से तो आप भी मंगवा सकते हो. इसे गाइस मैंने मेरे पर्सनल यूज़र के लिए मंगवाया है. आप लोगों के लिए मैं वीडियो शूट करने के लिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी. और ये जो ट्राईपोड है ये सभी में काम आएगा, जैसे कि कैमरा ट्राईपोड या गोपुरो के कैमरेज हो गया, आपका कोई भी फ़ोन हो. इसके साथ एक फ्री माउंट क्लिप भी मिलती है आपको, तो ए भी इस वीडियो में हम देखेंगे और इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे, टेस्टिंग दिखेंगे. इसकी प्राइस की बात करें तो 699 से लेकर 1000 रुपये के बीच में आपको अमेज़न पर ये मिल जाएगा. कम ज़्यादा प्राइस होते रहती है, इसलिए मैंने लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं. और फटाफट चलिए अपन इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें मिलेगा, आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए. इससे पहले कि गाइस हम इस वीडियो में आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. देखते रहिए. ये है गाइस साइवो की तरफ से एक अच्छा सा ट्राईपोड. बेसिकली गाइस देखा जाए तो कुछ इस टाइप की बॉक्स पैकिंग मिलेगी आपको. थोड़ा सा मुझे लगता है डिलीवरी में आने में ये पूरा चिपा गया है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, यहाँ थोड़ा फट फूट गया है. ठीक है, ट्राईपोड है क्योंकि काफ़ी दिन लग गया इसको, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया. प्राइस की बात करें तो 3999 दिया है, लेकिन चिंता नहीं करें, ये मात्र आपको 1000 रुपये से कम में ही मिल जाएगा. एक लोकल साइवो करके कंपनी है, उसका ट्राईपोड है ये. मुझे ठीक ठाक लगा और काफ़ी अच्छी रेटिंग थी इसकी, तो मैंने इसे मंगवाया. चलिए इसको खोलते. खोलने से पहले वही ज़रूरी बात कि आपको बॉक्स चेक कर लेना है कि फटा तो नहीं है, ज़्यादा कोई डैमेज तो नहीं हुआ है. मुझे लगता है ये जो इनकी गाड़ियाँ हैं इसमें आने में बॉक्स मुझे काफ़ी डैमेज टाइप का लगा, बट ठीक है, अपना ट्राईपोड सही सलामत आ गया अपने पास. ये देखो भाई साहब, तो बॉक्स से कुछ इस टाइप की पैकिंग मिलेगी. इसके अंदर के बॉक्स के अंदर आपको एक फ्री बैग मिलेगा, ये ब्लैक कलर का जो है ये फ्री बैग है. लाइक बनता है इस बात के लिए, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग की है. मुझे लगता है डिलीवरी आने में इस बार इस बॉक्स की बड़ी हालत बुरी हो गई है. देखो काफ़ी हर टाइप से थोड़ा सा फट टाइप का गया है ना. चलो कोई बात नहीं, ट्राईपोड है. यहाँ बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको सभी इंस्ट्रक्शन लिखे जो कि पढ़ लेना. ये 1240 mm का ट्राईपोड है, जी हाँ, जो कि आपको थ्री वे माउंट देगा. आप वर्टिकल 90 डिग्री में इसे ले सकते हैं. उसके बाद इसे आप पूरे सेंट्रलाइज मोमेंट कर सकते हैं. इसमें काफ़ी सारी आपको फैसिलिटी मिलती है, बहुत ही सस्ता और एक बजट ट्राईपोड है. सामने की बात करें तो आपको कई सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि दिस ट्राईपोड समथिंग, एक टाइप से साइवो एक सेलर ब्रांड है, उसने ही इसे बनाया है. बाकी बेसिकली मुझे लगता है चाइनीज़ प्रोडक्ट ही हो सकता है. बॉक्स कंटे की इधर बात करें तो इसमें चार सेक्शन दिए भाई साहब, आपको चार सेक्शन दिए, फोटो वीडियो डिजिटल लाइट वेट, काफ़ी सारे इसमें आपको काम आएगा. और बॉक्स कंटेन कुछ इस टाइप का है ट्राईपोड. आपको ट्राईपोड को मैंने हर टाइप से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपको किस टाइप से और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है इसमें. DSLR, GoPro, आपका फ़ोन, कोई भी फ़ोन हो, दो इंच, चार का, पाँच का, छः का और सात इंच का. ठीक है, बैग आपको ये फेंकना नहीं है, ये भी काम आएगा. इसको ट्राईपोड को आप लगा के कहीं से भी कर सकते हैं. इस प्लस को आपको पुश करना है और थोड़ा सा पीछे खींच दोगे तो ये फटा नहीं है, ये फटा नहीं है. ये आपको थोड़ा सा माउंट के लिए आपके इसमें पीछे टांग सकते हो, बैग में रख सकते हो थोड़ा सा. ये मुझे काफ़ी पसंद आया कि इन्होंने बैग भी दिया. कई सारी कंपनियां ट्राईपोड में शायद बैग नहीं देती है या सिर्फ एक बॉक्स के अंदर ही उसे सेंड कर देती है. चलो भाई साहब, ये देखो कुछ इस टाइप का ये ट्राईपोड है और ये बैग अपने को ट्राईपोड रखने को सेफ्टी के लिए काम आएगा. कहीं भी मोड़ सकते हैं, कोई बैग से झंझट नहीं है. देखो छोटा सा भी हो जाता है और एक टाइप का कपड़े का बड़ा ही कागज़ नॉर्मल कपड़े का बैग है. चलो इसे अनबॉक्स करते हैं, पन्नी से मैं बाहर निकाल देता हूँ. बॉक्स के अंदर बस आपको क्या क्या मिलेगा, एक ट्राईपोड, एक बैग और एक फ्री मिलेगा आपको फ़ोन का माउंट क्लिप मिलेगा आपको, कौन सी वाली, जो कि मैं अभी दिखा देता हूँ.
इसमें ट्राइपॉड के साथ आपको एक क्लिप फ्री आती है जो कि आपके फ़ोन के लिए बड़ा ही हेल्प करेगा, ए वाली। जी हाँ, ये जो माउंट क्लिप है ये आपको सभी फ़ोन में काम आएगी, 4 इंच का 5 इंच का 6 इंच का 7 इंच का, काफ़ी तेज फैलेगी। देखो इतना खींच सकते हैं आप, जितना इसको खींचोगे उतनी ये टाइट बाहर आएगी, और इसमें फ़ोन आप माउंट करके, इस ट्राईपोड पर माउंट करके वीडियो, फोटो, कुछ सिनेमेटिक शॉट्स ले सकते हो। यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर दिया है और ये इसका पंचिंग है जिससे कि फ़ोन आपका माउंट होगा, और इसको 360 इसको भी घुमा सकते हो, इस पर माउंट करके घुमाना है ना। चलो तो ये है साइवो का ट्राईपोड, मुझे काफ़ी अच्छा और ठीक ठाक लग रहा है यार। एल्युमिनियम की फॉइल लगी है और थोड़ा स्टील या एल्युमिनियम का मिक्स है मुझे लगता है, बाकी काफ़ी हल्का लाइट वेट है। अगर बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है ये, 655 ग्राम का लग रहा है मुझे, लगभग 655 ग्राम से भी कहूँगा। और इसकी मैक्सिमम ओपनिंग हाइट की बात करें तो 1240 mm की हाइट है, और मिनिमम में जा सकता है 400 mm, ठीक है। और जो फोल्डेड हाइट है इसकी 425 mm तक के है भाई साहब। तो ये अपन क्या है, ये वाला जो स्क्रू है इसको खोल के आप आपके जो ऊपर वाला माउंट है इसको 360-190 डिग्री तक घुमा सकते हो, जैसा आपको लगता है उस टाइप से आप इसे माउंट कर सकते हो। ये वाला स्क्रू आपको सिनेमेटिक शॉट्स लेने में, कैमरा को हैंडल करने में काम आएगा। यहाँ पर अपने को एक सेक्शन खोलेगे तो कुछ इस टाइप का ये दिखेगा, लेकिन इसमें चार सेक्शन दिए तो अपन इसको थोड़ा अच्छे से टेस्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब अपन इस ट्राइपॉड को टेस्ट करेंगे, मतलब कि कितना इसका एलिजिबिलिटी है। अगर क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, मुझे पूरा एल्युमिनियम का फॉइल्स दिख रहा है, और कुछ इस टाइप से ही ओपन हो जाएगा, नीचे से पुश करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। काफ़ी छोटा सा है और काफ़ी लाइट वेट है। ये है साइवो का WT3130 का ट्राइपॉड। इसको मोबाइल में, DSLR में, कैमरे में, GoPro में, सभी में आप यूज़ कर सकते हैं, सभी में। और इसके साथ एक फ़ोन माउंट करने की क्लिप भी मिलती है जो कि इस बॉक्स में फ्री आएगी आपको। और ये जो ट्राइपॉड है एक बेसिक है, साइवो कंपनी या साइवो सेलर की तरफ से आता है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, तो आप वीडियो देखने के बाद इसे चेक कर सकते हैं अमेज़न पे। लगभग देखा जाए तो 600 से लेकर 1000 के बीच में आपको ये आराम से मिल सकता है अमेज़न पर, प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है, तो आप लिंक चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसे लिंक दे देता। ये एक्चुअली मैंने मेरे पर्सनल यूजेस के लिए बुलाया है, मुझे काफ़ी पसंद आया, और अभी सेल में मैंने इसको बेसिकली लिया है, तो काफ़ी अच्छी टाइट कोटिंग के साथ आता है। सबसे पहले देखते हैं, आपको इसको इस टाइप से खोल लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले अपन देखते हैं इस वाले प्लगिंग की, ये वाला जो प्लग दिया है आपको या स्क्रू दिया है, इसको थोड़ा सा अपन ढीला करेंगे तो ये ढीला हो जाएगा, और इसको ऊपर से खींच देना है तो ये इतना आपका ऊपर हो जाएगा, और इसको यहाँ से स्क्रू को आप टाइट कर सकते हैं। ये 360 रोटेट करेगा आपको 360 एंगल में, देखो आप टाइट हो गया, टाइट। इसको मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊँ तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पर इस हैंडल को, तो ये हैंडल अभी देखो टाइट है। अगर मैं इसको ढीला करूँगा, ये देखो इसको थोड़ा सा ढीला करना है, और ढीला करेंगे तो आप बड़े ही आसानी से समथिंग लाइक दिस, ये देखो पूरा 90 से 180 डिग्री तक की जा रहा है। और ये जो वाटर है ये आपको इसलिए हेल्प करेगा कि आपको शॉट्स कैसे लेना है। ये देखो ये इधर से पूरा 90 डिग्री में जाएगा, ठीक है। अगर आपको मानना है कि कैमरा इसको ऐसे ही रखना है या ऐसे रखना है, तो इसको ऐसा सेट कर दिया, और इस हैंडल या स्क्रू को आपको टाइट कर देना है, समथिंग लाइक दैट। ऑल राइट, ये देखो ये टाइट हो गया, तो आपका जो ट्राइपॉड है पूरा फुल माउंट हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, लगभग आपको 1240 mm तक की जाएगा ये वाला, ठीक है। तो पहले अपन बेसिक देखते हैं, और ये वाला जो स्क्रू है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा ढीला कर दोगे ये, तो ये आपका पूरा पूरा रोटेट हो जाएगा, पूरा राउंडिंग रोटेट हो जाएगा, जैसे कि कई सारे क्या है जो सिनेमेटिक शॉट्स होते हैं वो लेने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ये देखो पूरा रोटेट हो जाएगा। आपको मान लो कैमरा एंगल इधर सेट करना है, तो कैमरा एंगल सेट करने के लिए आपको इसको सेट कर दो और यहाँ से इस स्क्रू को टाइट कर दो, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। मान लो आपको कोई शॉट्स लेफ्ट में लेना है तो इस स्क्रू को ढीला करो, और ये भी आपका पूरा 360 घूम जाएगा। काफ़ी बेसिक मुझे इसका फीचर पसंद आया, इसलिए ही मैंने इसको ऑनलाइन अमेज़न से ख़रीदा है जल्दी से,
और आप बात करते हैं इस वाले पैनल की, इस वाले स्क्रू की, इसको अगर आप ढीला कर लोगे थोड़ा सा तो ये मान लो कई बार क्या होता है, अगर आपका कैमरा हो, मोबाइल फ़ोन हो, और चाहे DSLR हो, चाहे GoPro का कैमरा हो, चाहे कोई भी फ़ोन हो, इसके साथ में क्लिप आती है जो मैंने अनबॉक्सिंग में आपको दिखाई, तो इसको को ढीला करोगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा, पूरा फ्लैट हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री में ऐसा ऐसा चला जाएगा। और यहाँ से इसको आप कस दोगे तो आपका कैमरे को आप टाइम लैप्स लेने के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक समथिंग लाइक लेफ्ट एंड समथिंग लाइक दिस। ये देखो, ये इस टाइप से भी हो जाता है। किसी को क्या है, कुछ टिकटॉक वगैरह के लिए ये फीचर भी फ़ायदे में हो सकता है, और यूट्यूब पे टाइम लैप्स लेने के लिए ये फीचर काम आ सकता है। अब इसको ढीला करेंगे और इसको, मेरा मानना है कि आप इसको ऐसा करके ही शूट करें, इसको टाइट रखें, क्योंकि इसको हिलेगा तो कैमरा हिल सकता है आपका। तो इसको नीचे की ओर यहाँ पर मैं टाइट कर देता हूँ। ये देखो तो कितना है, एक स्क्रू ये है अपने पास में, और जस्ट होल्ड ऑन, एक स्क्रू ये है, इसको ये अपना पूरा हैंडल बार है, पूरा कैमरे को हैंडल करेगा, आपके DSLR को वगैरह वगैरह। ये वाला आपका 360 के लिए है, और ये वाला स्क्रू आपको 190 डिग्री एंगल के लिए, ठीक है। और यहाँ से भी इसको थोड़ा सा खोल के टाइट कर देना है। अगर मैं यहाँ से इसको, ये स्क्रू आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सा ढीला करके तो ये पूरा अंदर भी चला जाएगा और इस टाइप से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसको कस देना है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं यार, और अपनी को ऊंचाई में चाहिए, इसकी लेंथ हाइट बढ़ाना है, इसको ढीला किया इसकी हाइट यहाँ से बढ़ जाएगी, ठीक है। आप करते हैं दूसरे फीचर की बात। यहाँ पर अपने को चार इसके जो पैनल दिए, जैसे कि मैं पहला खोलता हूँ तो ये इतना ऊँचा आ जाएगा, इसका भी खोलते हैं अपन और इसका भी खोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये, कोई भी आपको खींचातानी नहीं करना। ये देखो, ये हो गया कुछ ऊंचा इतना। और हाँ, आपको लॉक करना नहीं भूलना, यहाँ से लॉक कर दिया, थोड़ा सा मैं सेट ये लॉक करा, और यहाँ से इसको यहाँ से लॉक कर दिया, और इसको भी मैंने यहाँ से लॉक कर दिया। तो ये हो गया आपका मिनी ट्राइपॉड बन गया। देखो, किसी भी के लिए, कोई भी कैमरा हो, चाहे DSLR हो, चाहे GoPro हो, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हो, इसके साथ जैसे कि मैंने बताया, एक क्लिप आपको फ्री दे रहा है सेलर, तो वो क्लिप आपको फ़ोन में काम आ जाएगी। अब दूसरी, अब इसका एक और एक राउंडिंग फीचर है जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा। ये देखो, इसको भी अपन ने क्लिप खोला और ये कुछ इतना आ जाएगा, आपको खोल देना है, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। थोड़ा सा टाइट करोगे तो ये देखो, इसको टाइट कर देते हैं, यहाँ से इसको भी टाइट कर देना है, और यहाँ से इसको भी टाइट कर देना है। तो ये हो गया अपना हाफ ट्राइपॉड माउंट, समथिंग लाइक दिस। तो मैं भी जैसे यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे यहाँ तक क्या आ रहा है, अगर मैं मान लो इसको ढीला करके और उठा दूँ तो कुछ इतना आ जाएगा ये, तो आप चेयर पे बैठ के आपकी वीडियो फोटो शूट कर सकते हो। अब यहाँ पर चेयर लगा के यहाँ से भी आप शूट कर सकते हो, और काफ़ी लाइट वेट है, गिरेगा नहीं हवा में। आप और आपके जो DSLR का कैमरा, फ़ोन, जो भी मोबाइल फ़ोन हो चाहे कैमरा हो, इतना कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। और एक फीचर और, इसको आपको और बड़ा चाहिए तो यहाँ पर मैं इसको फिर और खींच देता हूँ, ये लॉक को खोल के आपको लॉक कर देना है, और ये वाला इसको भी सेम, इसको लॉक करना है, लॉक खोलना है, लॉक करते जाना है। उसके बाद में ये देखो भाई साहब, तो ओ माय गॉड, काफ़ी बड़ा है यार, मैंने उम्मीद नहीं की थी इतना बड़ा आएगा। तो इसमें यानी कि चार सेक्शन बने हैं, सेक्शन वन, जैसे कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। बस अब इससे ऊंचा नहीं होगा। अब मैं दिखा देता हूँ ट्रायल आपको कि कितना ऊंचा है ये। ये देखो, और थोड़ा इसको लेफ्ट में अपन रखें, और यहाँ से मैं थोड़ा ढीला करके, ये फिट है पूरा, ये चार सेक्शन हो गया, और बड़ा चाहिए, खींच लिया और खींच लिया, और यहाँ से स्क्रू को आपको टाइट कर देना। मेरा मानना है कि और थोड़ा बड़ा होना था, ये यहाँ तक क्या आ रहा है, यानी कि मेरे चेचिस तक क्या आ रहा है। ये देखो यहाँ, और आपका यहाँ पर बढ़िया से कैमरा रख के, आपका फ़ोन रख के आप आराम से यहाँ से आप ऐसा शूट कर सकते हैं। तो कुछ इतना बड़ा दिखाई देगा, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो मेरे यहाँ तक क्या आ रहा है, यानी मेरी चेचिस तक, यानी छाती तक, यहाँ तक, ये देखो इतना मिलेगा आपको।
और इसमें चार सेक्शन आपको दिया और बड़ी आसानी से फिर आपके यहाँ पर इसको आराम से उठा सकते हो, ज़्यादा भारी भी नहीं है और इस टाइप से आप कैमरा सेट कर सकते हो। इधर से जल्दी से बिल्कुल 2 सेकंड में काम होना चाहिए मेरा ऐसा है कि यहाँ से थोड़ा सा स्क्रू ढीला किया, ये लो 360 घूम गया आपका, यहाँ से स्क्रू टाइट कर दिया और इधर से टाइट किया, दैट्स इट, कैमरा इज रेडी। अब यहाँ पर आपको इसके साथ एक माउंट मिलता है। कई सारे कैमरे में क्या होता है कि ऑलरेडी आता है या किस आपको या छोटा सा माउंट GoPro के लिए है तो GoPro के लिए अलग से यहाँ पर एक छोटा सा माउंट लेना पड़ेगा आपको, जो कि उसका जो माउंट है यहाँ पर कसा जाएगा और आपका जो कैमरा है वो सेट हो जाएगा। जे माउंट आता है, जे माउंट भी आप इसमें लगा सकते हो। तो ये यार एक मेरी तरफ से ओवरव्यू था इस साइवो के ट्राइपॉड W3 3130 का ट्राइपॉड है और यहाँ से बस इसको फिर थोड़ा सा मैं ओके गाइस दिस फुटेज टेस्टिंग साइवो का ट्राइपॉड। तो इतना कुछ लंबाई में आता है, थोड़ा मैं पास में आता हूँ, ये देखो। तो ये जो ट्राइपॉड है मैंने अभी इसको पूरा सेट कर लिया, सेट का मतलब कि चारों सेक्शन के ऊपर पूरा जितना बड़ा हो सकता था, जितना बड़ा ये ट्राइपॉड हो सकता था मैंने इसे सेट कर लिया है। और थोड़ा सा अगर ये देखो, अगर आपने आपको थोड़ा और भी इसका लेंथ बढ़ाना है, ऊँचा करना है और भी कि यार आपको कम पड़ रहा है, तो ये जो चार सेक्शन के बीच में एक जगह होती है उसको थोड़ा ऐसा कर सकते हो आप, राइस करना है तो और ही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको सेट कर दूँ पूरा एकदम फिक्स ट्राइपॉड तो ये देखो कुछ इतना बड़ा आता है। जैसे आप जितना दूर खड़े रहोगे उतना ज़्यादा आओगे, जितना पास में, तो मेरा मानना है कि ओके। तो ये मेन टारगेट हो रहा है वीडियो शूट का, यानी फुटेज समथिंग, तो इतना आना ही चाहिए। जितना पास में आओगे तो आपका जो वाइड एंगल है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला जो कैमरा है मेरा, ये फ़ोन का कैमरा है, यानी कि ओप्पो F3 Plus है ये वाला फ़ोन जिससे अभी आप वीडियो, तो इसको मैंने इस साइवो के माउंट पर अभी सेट कर दिया। इसके साथ जो क्लिप आती है उसमें फ़ोन को लगा सकते हो, या तो आपका फ़ोन बड़ा है या तो एक छोटी सी क्लिप खरीद सकते हो 100-150 रुपये की, वो आती है। तो ये आपका होगा एक बेसिक ट्राइपॉड टेस्टिंग। और एक बार मेरा तो मी का जो ट्राइपॉड है वो कम से कम इतना बड़ा जाएगा आपका, बस छोटा है। और ये पूरा 1440 mm, यानी कि इतना साइज आ सकता है मेरे मानने का है कि इतना। अब जितना पीछे जाओगे, जितना आप आगे आओगे, आपके हिसाब से आपको लगता है कि नहीं यार छोटा पड़ रहा है और ऊँचा चाहिए, तो यस कर सकते हो। इस माउंट के बीच में जो रैक दिए उसको पकड़ के फ्लैट में जाना है, तो क्लिच करना है थोड़ी सी, तो ये आपका जो माउंट है और भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जैसे कि समथिंग लाइक दिस। देखो ये इतना और भी जा सकता है, यस ये देखो और ऊंचा हो गया। अगर आपको चाहते हो आप, अगर आप बहुत छोटे हो, किसी की हाइट के ऊपर है कि आपकी हाइट कितनी जाती है, क्योंकि जो ट्राइपॉड पता चला आपने ले लिया छोटा पड़ गया तो और भी आप उसको बड़ा कर सकते हो। अगर कहीं अपन आउटडोर पे जैसे शूट करते हैं या हिल्स पे, तो उसमें क्या है जो ट्राइपॉड है आपका ऐसा ही आना चाहिए समथिंग लाइक दिस, ऐसा फ्लैट, उसको नहीं चढ़ो बस पूरा ट्राइपॉड खोल के। तो बस जैसे यार ये टेस्टिंग में दिखा रहा था कि ये ट्राइपॉड में इतना और इस टाइप से आपका फुटेज आ सकता है, और आपको बस ऐसे खड़े रहना है बीच में। आपका कैमरा अगर वाइड एंगल है, जैसे कि 120 डिग्री, 190 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री, तो कैमरे को वाइड एंगल में शूट करोगे तो ऑफकोर्स वो बड़ा आएगा और आपकी जो फुटेज है वो भी आपको क्लियर से दिखाएगा। तो समथिंग लाइक दिस, चेक इट आउट। अभी आपको बड़ा चाहिए तो 1400 mm से ज़्यादा, यानी 1400 mm से कुछ ज़्यादा का लेना पड़ेगा आपको, तो ये और आपकी गर्दन यानी आपके सिर तक आ जाएगा। ये क्या है, बस ये पूरा, ये मैंने फुल करके दिखाया है आपको कि इसमें 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन के बाद इस सेक्शन को आप और बढ़ा सकते हो, तो ये आपके चेजेस यानी कि यहाँ तक के आ जाएगा पूरा। अगर आपको और भी बड़ा चाहिए तो फिर आपको दूसरे ट्राइपॉड जो आते हैं, जो 1400 से ज़्यादा mm के आते हैं, वो लेना पड़ेगा, तो आपके हेड तक के चले जाते हैं, वो सिर तक के, वो और भी बड़े होते हैं। एक है एक बेसिक सा ट्राइपॉड है जिसको कि आप अपने ब्लॉगिंग के लिए, आपके शॉट्स लेने के लिए यूज़ कर सकते हो, काफ़ी मुझे ठीक ठाक लग रहा है। एल्युमिनियम का है पूरा, ये देखो पूरी एल्युमिनियम की बाउंड बची है और काफ़ी आसान है, यहाँ से बस यूं करो फटाफट और बड़ी आसान से आप इसका, इसके साथ एक बैग और एक क्लिप मिलती है जो कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया। तो बस गाइस इतना ही सही था, इसका लिंक चेक कर सकते हैं, आपको देखना है तो अमेजन इंडिया का मैंने इस वीडियो के नीचे दिया है। और बस यहाँ से इसको स्क्रू डाउन किया, ये आपका
बंद हो जाएगा। और स्क्रू को आपको कस देना है, क्योंकि आपके स्क्रू अगर एक भी स्क्रू मिस हो जाएगा तो आपका फिर ट्राइपॉड पूरा ख़राब हो सकता है। और यहाँ से इसको लेफ्ट कर दिया, बंद करने से पहले जितने भी लॉक है आपके, जैसे कि फर्स्ट लॉक इसको टर्न ऑफ किया, सेकेंड लॉक, और एक एक लॉक करते जाना है। जैसे कि देखो ये लॉक कर दिया मैंने, इस लॉक को खोला और बहुत ही जल्दी से आपका सेटअप बंद करने के लिए फटाफट हो जाएगा। ये इस टाइप से लॉक इनेबल और डिसेबल कर सकते हो आप यहाँ से, और ये वाला भी आपका गेट बंद हो जाएगा। तो ये आपका मिनी ट्राइपॉड बन सकता है। अधिकतर मेरा मानना है कि पूरा ही खोलना पड़ेगा आपको, और इससे बड़ा चाहिए तो फिर आपको 1400 mm से ज़्यादा के देखना पड़ेगा, तब आपसे आएगा। और ये लो, ये अपना ट्राइपॉड हो गया टर्न ऑफ पूरा, और समथिंग लाइक दिस देखो। और आपके बैग में इसके साथ एक बैग और एक मोबाइल फ़ोन माउंट मिलता है। अगर आपको GoPro DSLR के लिए तो यहाँ पर दिया है जगह, ये देखो समथिंग लाइक दिस। तो ये DSLR के तो आपको जगह दिया ही ऑलरेडी। फ़ोन के लिए भी इसमें क्लिप आती है। अगर आपके पास कोई अदर जैसे कि सोनी वोनी के कैमरे है या GoPro के है, तो इसके लिए उनके और भी माउंट आते हैं छोटे से। तो यहाँ पर जैसे कि GoPro के लिए जे माउंट आता है, जे माउंट भी आप यहाँ पर कस के आपका यहाँ पर GoPro माउंट कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग टाइप के कैमरे उनके अलग अलग माउंट्स आते हैं। यहाँ पर क्या है, जो साइवो का ये ट्राइपॉड है या इसके कई भी ट्राइपॉड हो, इन्होंने सिर्फ एक माउंट इसमें दे रखा है। या तो इस स्क्रू को खोल के, ये वाला जो स्क्रू दिख रहा है आपको, इसको आप खोल के इसे हटा सकते हो, इसे हटा के वो माउंट यहाँ फिट कर सकते हो, तो आपको बहुत ही आसानी चाहिए। तो बस गाइस यार, एक छोटा सा ट्राइपॉड का मेरी तरफ से रिव्यू था। ऑफकोर्स लाइक करना इस वीडियो को, ना बोले शेयर दिस वीडियो। फिर मिलता हूँ मैं किसी बेस्ट टिकटॉक अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक